हाय गाइस, इट्स मी डेली हाई पावर। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ लॉरल पैरिस के रिसेंटली लॉन्च हुए प्रोडक्ट का। वेल, ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है लॉरल पैरिस रिवाइटल लिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। वेल, मैं आपको बता दूँ, ये जो सीरम है ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया में, और साथ ही में ये नंबर वन प्रोडक्ट है US, चाइना एंड यूरोप का। साथ में आपको बता दूँ, इस प्रोडक्ट को एक्चुअली में मैं काफ़ी दिनों से ट्राई करने की सोच रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी वीडियोस देखी हैं, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने इसको इस प्रोडक्ट के बारे में बताया है काफ़ी अच्छा। तो मैंने सोचा कि मुझे भी ये प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। तो इट्स बीन लाइक 10 to 15 days आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये प्रोडक्ट पर्सनली। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको अपना हार्ड अर्न मनी इस पे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस प्रोडक्ट के। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये हाइलुरोनिक एसिड होता क्या है। ये जो हाइलुरोनिक एसिड है ना, इट्स अ मॉलिक्यूल दैट्स नेचुरली प्रेजेंट इन आवर स्किन, पर स्ट्रेस एजिंग के हिसाब से ना हमारी स्किन में कम होने लगता है। जब हमको नेचुरली ये नहीं मिलता ना, तो हम इसे टॉपिकली लेते हैं। एंड ये जो प्रोडक्ट है ना, इट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड 1000 times इट्स ऑन वेट इन मॉइस्चर। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट है ना, ये आपकी स्किन पे ना मॉइस्चर को ना मेंटेन करता है। एंड ये जो प्रोडक्ट है इसमें ना, ये आपकी स्किन को हाइड्रेट, हेल्दी एंड स्किन पे जो रेडियंस है ना उसको इंक्रीज करता है 42%। बट एज सच मैंने अभी तक कोई मेजरमेंट नहीं किया है, बट जब से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतना तो समझ में आ गया है ये प्रोडक्ट में, मतलब जब से मैं इसे लगा रही हूँ तो मुझे एक्चुअली मैं मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। मतलब मैं इसे 2 बार लगाती हूँ, मतलब मॉर्निंग में एंड इवनिंग में सोने से पहले। तो जब भी मैं इसे लगाती हूँ मुझे मॉइस्चराइजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये बहुत ही इजीली स्किन पे मतलब ऑब्जर्व हो जाता है। एंड सच बताऊँ तो ये नॉन ग्रेजी है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, और इसके अंदर कोई अल्कोहल नहीं है। साथ ही में ये पैराबिन फ्री है, डर्माटोलॉजिकल टेस्टेड है। एंड सबसे अच्छी बात मुझे इसकी पैकेजिंग लगी, बहुत ही स्लीक पैकेजिंग है। और ये जो इसका ये ड्रॉपर है, ये इसके यूसेज को कंट्रोल करता है। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप लीजिए एंड अपनी स्किन पे यूज़ कीजिए। सबसे अच्छी बात ये है इस पूरे प्रोडक्ट की। और मैं आपको बता दूँ, इस पूरे प्रोडक्ट में ना कहीं भी जब आप इसे यूज़ करेंगे तो कोई फ्रेगनेंस नहीं है। तो कई बार लोगों को ना फ्रेगनेंस, प्रोडक्ट में फ्रेगनेंस होती है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, उस फ्रेगनेंस नहीं पसंद आती कई बार। तो ये फ्रेगनेंस फ्री है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है, और बहुत ही अच्छा लगा जब इसे मैंने फेस पे लगाया तो प्रॉपरली अपनी स्किन पे ऑब्जर्व हो जाता है। और मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रोडक्ट है ना, स्पेशली जिनकी स्किन ऑयली है और साथ ही में ड्राई है, सेंसिटिव स्किन है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। और आप इसको, मेरे पास ये जो बॉटल है फ्रेंड्स, ये 30 ml की है। तो और इसमें एक और बॉटल आती है जो कि 15 ml की होती है। तो जो 30 ml की बॉटल है वो 999 की है, और ये जो 15 ml की बॉटल है वो 499 की है। आप इसे ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, मुझे बहुत ही अच्छा लगा लॉरल पैरिस का रिवाइटल लिफ्ट 1.5% हाइलुरोनिक एसिड सीरम। आई होप आपको भी पसंद आए। सो आप यूज़ कीजिए एंड यूज़ करके मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है इस प्रोडक्ट के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा। आई होप आप लोगों का एक्सपीरियंस भी इस प्रोडक्ट के साथ काफ़ी अच्छा रहे। और अगर आप इसे परचेस कर रहे हैं तो आप जब भी इसे यूज़ करें ना, तो यूज़ करने के बाद ना आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के साथ कैसा रहा। आई होप आप लोगों का एक्सपीरियंस भी इस प्रोडक्ट का अच्छा रहा होगा, क्योंकि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय द सेम नेम, दिल्ली हाई पारुल। अब मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय गाइस।